तो हाँ जी, क्या हालचाल। तो भाई सैमसंग रेडी अपने गैलेक्सी S24 सीरीज के अंदर एक आखिरी स्मार्टफोन लॉन्च करना, छोटू स्मार्टफोन है, जबरदस्त है, जो कि सभी लोग इस स्मार्टफोन का ना वेट करते हैं। जी हाँ, नाम है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE, यानी कि फैन एडिशन। ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली, इसकी डिटेल सामने आ गई है। लेकिन सवाल है कि भाई साहब, डिटेल तो बहुत पहले से आ रही है, लेकिन लॉन्च कब तक होगी? देखिए, अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स की तरफ से देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जुलाई के मंथ में सैमसंग का ना अनपैक्ड इवेंट होने वाला है। तो 95% चांसेस बताए जा रहे हैं कि इसी अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग अपने गैलेक्सी S24 फैन एडिशन को लॉन्च कर सकती है, सब कुछ सही रहा तो। नहीं तो अगस्त के लास्ट या मिड अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि आप में से लेजेंड बता बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई साहब, सैमसंग अपने फैन एडिशन को ना अक्टूबर के मंथ तक लॉन्च करती है, सेप्टेम्बर के लास्ट अक्टूबर तक, लेकिन इस बार कुछ जल्दी ही लॉन्च करने वाली है। तो खैर, मेरे पास की डिटेल सामने है, वी लीक्स रूमर सामने आया हुआ है, प्राइस क्या हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सैमसंग जब भी लॉन्च करती है गैलेक्सी एस सीरीज के अंदर, तो यहां पर ना प्रोसेसर का भाई साहब डाउट रहता है कि अपने आप भारत में कौन से प्रोसेसर लॉन्च होगा और ग्लोबली कौन सा प्रोसेसर यूज किया जाएगा, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। और ये भी बताएंगे कि इस वीडियो के थ्रू आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होती है, मुझे यहाँ पर छोटी सी ना बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब, दिखने में क्या खास होने वाली है इस बार S24 FE में, क्या जबरदस्त चेंजेस देखने को मिलने वाली, क्या प्राइस होगी, सब कुछ बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो नो डाउट भाई साहब, सैमसंग गैलेक्सी अपने S सीरीज में जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। जी हाँ, ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने, ग्लास बैक के साथ एल्युमिनियम फ्रेम, ग्लास फ्रंट डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। लेकिन फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है? अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 191 ग्राम, थिकनेस 7.7 mm, साथ आपको IP64 की रेटिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि धूल और पानी दोनों से फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। और वेट और थिकनेस तो देखा जा रहा तो अच्छी है, लेकिन सवाल है दिखने में कैसा होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन की। तो दोस्तों, जैसे कि सबको पता ही है ना कि सैमसंग अपने डिजाइन में ज्यादा मेहनत नहीं करती है। कहां मेहनत करती है? परफॉर्मेंस में, उस सब में, बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा मेहनत करती है। डिजाइन एज यूजुअल वही है जो कि गैलेक्सी S24 सीरीज में आपको देखने को मिला है। बैक साइड रखेंगे, टॉप पर आपको ट्रिपल कैमरा हाउसिंग, इंडिविजुअल कैमरा हाउसिंग देखने को मिलेगा एलईडी फेस के साथ। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। बॉक्स डिजाइन है, चारों से कर्व नजर आता है, जबरदस्त देखने को लगता है। लेकिन बॉडी टू रेशियो 85% के आसपास बताया जा रहा है, यानी कि वेजल चीन प्रतिशत होने वाली है। कलर्स की बात करें तो सैमसंग बबुआ भाई साहब, एक दो मतलब कलर्स लॉन्च करती नहीं है, भर के लॉन्च करती ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ अच्छे खासे आपको ऑप्शन मिलेंगे कलर्स में। जी हाँ, पहला मिलेगा मिंट कलर, वहीं क्रीम है, ग्रेफाइट, पर्पल, एक होगा इंडिगो कलर, और भी कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। अभी यही लीक्स आया हुआ है, कलर सब अच्छे हैं, सबकी अपनी पसंद है यहाँ पर। अब बात करते हैं उनके लिए क्या कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों, इस बार की डिस्प्ले बताया जा रही है कुछ ज्यादा ही कॉम्पैक्ट मिलने वाला। जी हाँ, यहाँ पर बताया जाए अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स, स्क्रीन साइज होगी 6.1 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट का 2x डायनेमिक एमोलेड पैनल, 2314x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का एस्पेक्ट रेशियो, 416 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 2600 nits की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। देखा जाए कुछ ज्यादा ही कॉम्पैक्ट साइज हो गया है, कलर सबको अच्छे मिलेंगे। उम्मीद था 6.5 होना चाहिए था, लेकिन 6.1 बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स के बताया जा रहा है यहाँ पर। और बस है सैमसंग मोबाइल की तरफ से ही बताया जा रहा है कि 6.1 इंच का ही होगा, तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट हो गया, वन हैंड यूज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिफ्रेश रेट, टच सैम्पलिंग रेट, कॉम्बिनेशन शानदार है, यानी कि सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे ना तो गेमिंग करने में जबरदस्त मजा आने वाला है, और यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी नहीं कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। तीनों में ही सपोर्ट मिलेगा, नेटफ्लिक्स, अमेजन, यूट्यूब में HDR कंटेंट आप रगड़ के देख सकते हैं। अब सवाल है कि भाई साहब, अपने यहाँ भारत में जब लॉन्च होगा तो दिमाग इसमें कौन सा यूज किया जाएगा, यानी कि प्रोसेसर कौन सा यूज किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि सबको पता है, सैमसंग जब लॉन्च करती है ना अपने भारत में, तो अपना ही प्रोसेसर लॉन्च करती है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि सैमसंग लॉन्च करेगी अपने ही इन हाउस तैयार किया गया Exynos 2400 प्रोसेसर,
ऑन पेपर प्रोसेसर अच्छा है, कोई ख़राब भी नहीं है। अभी S24 जो सीरीज़ लॉन्च हुई है उसमें भी देखने को मिला, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बताया जा रहा है ज़बरदस्त काम भी कर रही है, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है, हीटिंग उसे काफ़ी कम देखने को मिल जाता है। यदि मैं देखूँ कितना पावरफुल है, यानी कि रॉ सीपीयू की तरफ, तो यहाँ मिलेगा 1 Cortex X4 जो कि 3.21 GHz तक क्लॉक किया गया है, वहीं 5 Cortex A720 जो कि 2.9 GHz तक क्लॉक किया गया है, वहीं 4 Cortex A520 जो कि 1.95 GHz तक क्लॉक किया गया है। तो भाई साहब जबरदस्त तो है, कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस शानदार मिलेगा। गेमिंग भी आप आराम से कर सकते हैं, 60 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि सैमसंग जो है ना वो गेमिंग सेंट्रिक फोन नहीं बनाती है, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि आप गेमिंग वेमिंग कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक मत करना, ठीक है कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी यहाँ पर। हाँ थोड़ा सा हीट का इशू देखने को मिल सकता है, वेपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। गेमिंग वेमिंग करने के लिए यहाँ पर सपोर्ट मिलता है XClip 940GB के साथ ही LPDDR4XRAM UFS 4.0 वाले स्टोरेज देखने को मिलती है। रीड राइट की स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गेमिंग जबरदस्त कर सकते हैं। रही बात ऑन टू स्कोर की, तो यहाँ आपको मिलता है 17,77,000, ये 17,77,000 के आसपास देखने को मिला है, यानी कि 18 लाख तक टच कर जाती, कोई दिक्कत भी नहीं है। 14 5G बैंड देखने को मिलता है, यानी कि परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं आएगी। हाँ लेकिन यही चीज़ ग्लोबली देखेंगे तो Snapdragon 8 Zen 3 के साथ लॉन्च होगा, और अपने यहाँ भारत में भी आएगा एक डेढ़ साल के बाद देखना कि यही कंपनी अपने Snapdragon 8 Zen 3 के साथ भी रीलॉन्च कर देती है, प्राइस हाई रख देती है, वही चीज़ जैसे S23 के साथ देखने को मिला था, S21 में देखने को मिला था, जी हाँ 888 के साथ लॉन्च किया गया था। खैर परफॉर्मेंस अच्छा है, अब सवाल है कैमरा कैसा होना है, यानी कि आप इमेज को क्लिक करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या जबरदस्त होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं कैमरा की। अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स बताया जा रहा है कैमरा में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा, हाँ थोड़ा सा इनहांस किया जाएगा, सेंसर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वही मिलेंगे। ट्रिपल कैमरा पहला है, 50 MP मेन सेंसर जो कि OIS सपोर्ट के साथ मिलेगा, वहीं 12 MP का अल्ट्रा वाइड, वहीं 8 MP का टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी, जहां से 8K 24 FPS 4K 60 FPS और 1080 240 रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी, और मैं आपको बता दूं सैमसंग ब्रांड वैल्यू है भाई साहब, और इनका जो ऑप्टिमाइजेशन होती है शानदार होती है, कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सैमसंग अपने ही सेंसर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कौन सेंसर यूज़ किया जाएगा, जब डिटेल सामने आएगी बताऊंगा। हो सकता है यहाँ पर कैमरा भी नंबर भी चेंज देखने को मिल सकते हैं, लीक्स रूमर्स हैं, लेकिन भाई बात करें आपके खूबसूरत चेहरे का रील शॉट होने के लिए मात्र 10 MP का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया। अब नंबर पर मत जाना, 10 MP सैमसंग दे रही है जबरदस्त है, नॉर्मली देखा जाए तो 50 MP वाला कैमरा भी काम नहीं कर पाती जो ये काम कर लेती है, लेकिन सैमसंग ब्रांड वैल्यू भाई साहब, क्वालिटी अच्छी मिलेगी नो डाउट, 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कैमरा क्वालिटी शानदार मिलेगी। अब बात करते हैं मतलब यानी कि इस स्मार्टफोन को जान फूकने के लिए कितने एमएच की बैटरी मिलेगी, यानी कि बैटरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स के तरफ से कि इस स्मार्टफोन को जान फूकने के लिए मिलेगा 4500 mAh की बैटरी, लेकिन 25W की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी, चार्जर बॉक्स में घंटा नहीं मिलेगा, 15W का वायरलेस चार्जिंग और 5W का रिवर्स वायरलेस सपोर्ट देखने को मिलता है, चार्जर बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। 25W का है, सुनने में आया है कि हो सकता है 45W का सपोर्ट देखने को मिल सकती है, अभी कुछ अपडेट नहीं है, लीक्स रूमर्स बता रहा हूँ मैं, यही बताया गया है, ठीक है बैकअप शानदार करके देगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसका सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, नो डाउट अंडर डिजिटल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली सेंसर सेंसर मिलेंगे, एक्सटर्नल जायरोस्कोप परसेंट फ्लान रखा चटर पुटर NFC मिलेंगे, यूजी टाइप सपोर्ट मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा, लेकिन 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं, कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों यहाँ मिलेगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ डिबॉक्स आती UI 6.1 देखने को मिलता है, जो कि ब्रॉडवेयर फ्री होती है, नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत नहीं, इनका UI एक्सपीरियंस अच्छा होता है, साथ ही नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है। हाँ रही बात अपडेट साइकिल की, तो 4 साल मिलेगा एंड्रॉइड, 5 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट, यानी कि एक बार स्मार्टफोन लो 5 साल के लिए फ्री हो जाओ, जी हाँ। चलिए अब बात करते हैं इसके वेरियंट्स की, तो दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स बताया जाए कि दो ही वेरिएंट्स देखने को मिलेगा, पहला है 8+256 वहीं 12+256, लेकिन बात करें प्राइस की कि प्राइस क्या हो सकती, क्या उम्मीद है, कुछ लेजेंड है जो कि पता चल चुका होगा कि प्राइस यही हो होगा और आप लोग सही पकड़े हैं, बात करेंगे और कैसे पैसे कमाएंगे वही बताऊंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ बेनिफिट मिलती है, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस की, तो दोस्तों देखिए प्राइस तो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि ये जैसे सैमसंग बबुआ करते हैं
55,000 के अंदर देखने को मिल सकती है। बाद में यही आपका 3-4 महीने के बाद ड्रॉप हो जाता है प्राइस, देख लीजिएगा। तो मैं कहूँगा यदि आपको लेना है ना लॉन्च होने के ठीक 3-4 महीने बाद तभी लीजिएगा वेट करके, क्योंकि आपको प्राइस अच्छे प्राइस में मिल जाता है, ये 40 तक आ ही जाता है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इसकी प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए और कितने एक्साइटेड है सैमसंग गैलेक्सी S24 SE को लेकर, FE को लेकर, SE नहीं FE को लेकर, बताइएगा। और हाँ, कमेंट जरूर कह दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं मुझे तो मोटिवेशन मिल ही जाता है कमेंट से, मज़ा भी आ जाता है कमेंट रीड करता हूँ तो, और थोड़ा सा YouTube के एल्गोरिथम लगता है व्यूज़ में हेल्प हो जाते हैं और आपको भी हेल्प होगा। कैसे होगा? जितना कमेंट करेंगे, अभी इस वीडियो के लास्ट में 4 लोग का नाम शो करता है कमेंट में, तो मंडे टू सैटरडे तक, जो कि ये आज सैटरडे लास्ट है, जितना कमेंट करेंगे शो करेगा वीडियो में, उसी में से रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि संडे के वीडियो में अनाउंस किया जाता है, मॉर्निंग या फिर इवनिंग किसी भी टाइम में अनाउंस किया जाएगा। और वो चीज़ पूरा डिटेल बताया, कैसे आप क्लेम करना आपको है, कितने दिन के अंदर क्लेम करना, सब कुछ बताएंगे, प्राइस अमाउंट क्या रहेगा, वो सब कुछ उसी टाइम डिक्लेयर होती है और सीधे आपके बैंक अकाउंट में वो प्राइस मनी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे 2 लोग को मिल चुका है, बाकी आप में से कोई बन सकते हैं विनर, तो कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।